गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी पिछले जन्म में तेने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर बेटा। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम ने दूध गढ़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त हैं तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आदर सत्कार आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे को व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है, और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है, इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वह एक दिन, वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी, अकिया भी पड़े गले में। ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी, अब क्योंकि वो ऐसी पुण्यात्माएं कबीर साहब के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं दो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास और गेल गेल ला गया फिरूँ, साथ साथ फिरता रहता हूँ जब तक धरती आकाश। आपको बहुत बार बताया क्योंकि ये दातंग मार्ग है पुण्यात्माओं, आपने केवल कथाएं सुनी हैं, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान, इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी ने जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी, और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं, 2, 4, 10 कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूँगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जाएं, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहाँ पहुँचा कर आओ।
अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर, चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते। तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया, कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत पर भी लेने के लिए, और पैदल आना जाना होता था तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं। अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ, पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक खाना खिला लूँगी संत को मैं आहार नहीं करूँगी। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी रही नहीं थी। तीसरे दिन तो वह कति आँखें बंद करने लगी, अग मरूँगी। उसके पति ने भी समझाई तो क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले दो रोटी, वसा दुआ वो फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई। पर ने बोली नहीं, मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊँ। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम पिता पे। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणामय नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष, चारों युग में आते हैं परमात्मा। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आया हूँ मैं परमात्मा कहा करते, तो द्वापर में वो करुणामय नाम से आई हुई थी। अब उसने देखा या मरेगी बोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहाँ दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहाँ देखा बेचारी, उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में सफ़ेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल साधु, गले में माला टांग रखी, दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया कि दनु महात्मा सा भी जच्चा है ना, तो हमने हम महात्मा उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, लंबे लंबे बाल हो, तिलकला रखा हो, पांच चार माला डाल रखी हो, बिंदी बिंदी टिक्की ला रखी हो। तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। वो नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवे है, कपड़े तो लाल हैं नहीं पर सकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के, अकेला बहन ले आ जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट से आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा आप कौन हो कि मैं नौकरानी हूँ। तो परमात्मा ने कहा बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आ जा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते, और हम घर जाओ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जचगी कि एक नंबर का महात्मा है, नहीं तो नो कोई कह देगा अपना रानी बुलावा, ये तो नो बाछड़ू की तरह भाग गया आकर बच्चे की तरह, पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा, और वो उड़े डट गए। अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा मेरा पकड़ हाथ मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊँगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दृढ़ आदमी आज पहली बार सुन रहा हूँ जो रानी को ये कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो, क्योंकि पिछले संस्कार से ही ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते हैं साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा वो मालिक का चेहरा, विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं वह, और चरणों में मत्था टेका और कहा महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए,
परमात्मा बोले चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्षीण कैसे होगी। तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज तीसरा दिन आ गया महाराज जी आप नाते ताज में मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं। तो रानी बोली जी ठीक है भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तो परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहे सो करते। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया। रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा क्या साधना करते हो कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरां वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो रानी जो थी वो ज़्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले और ये तो सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है। जब ये दास उनको यह सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों निंदा क्या की मैंने, तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरु जी में। संत तो अच्छे ही होते लेकिन ना समझ में आई, ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरु जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। और अब आने लग रहे रोते हुए लुट पिट के रोवा बरीत रहे, नाश हो गया, 30 साल हो गए राधा स्वामी में जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में, साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं आज उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त हैं। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा, पर गुण भगवान के बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आप कहे समझ में आ जा कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो फिर तो आप डुंडा पाट जाएगा, पूरे विश्व में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है, परमात्मा ने बताना शुरू किया बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे बता आपके गुरु ने, जी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे, अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन वहाँ रहूँगी, फिर कहाँ जाएगी हक पता नहीं, वह मैं बताऊँ कहाँ जाएगी, तो गद्दी बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गले, परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी, और ये आपके विष्णु जी भी नाशवान, आपके शंकर जी भी नाशवान, आपके ब्रह्मा जी भी नाशवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो, तुम नाशवानों की भक्ति करके और सथाई उनकी चेष्टा करते हो। अब वो रानी कहने लगी, मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना ये एक दूसरे की निंदा कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहियो, जो मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले बेटा अगर गधे ने कोई गाय कहे
और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौकर मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते, उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने सड़ जा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूँ, मैं तेरे गुरुजी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नाशवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो। शिव जी को आप भगवान मानते हो, परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की, आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहाँ जी पढ़ रखा है, सुना है, पढ़ा भी है, और जब भस्मकंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी हैं, जिनको तू अविनाशी मान रही उनसे तू रक्षा की बात देखे सुरक्षा उन, वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा है कसुता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान, देखो मैं वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कोई ना कति ना मानने जनता, परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूँ वो अजर व अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, सच कहूँ जग मानने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान जाए मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का, और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरणा में पड़गी, अब मौत दिखे है ना जब जचै खाई बूढ़ी बन गया दे, अक्सा दूसरा तो झूठ नहीं बोला करते, चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 84 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूँ मैं, अगमा मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए जो दुश्मन है तेरा, देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं, जब अपना नंबर आता दिखा ना जब की गिबंध है जीव की, तब सारी मान ली ठीक दीदा से आप कहोगे न्यू कर लूंगी, और मन में न्यू सोच रही देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा, दीक्षा ले ली और गुरु जी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा, अरे एक ध्यान रखना जो मैंने आपको मंत्र दिया है प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना, इस मंत्र का जाप करना वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले, देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संतावा पहले दंडवत करे और फिर उनसे कुशल मंगल पूछे, लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊँ यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तू भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती इंद्रमती कहाँ है बेटा,
अब इंद्रमती ने देखा गुरु जी आ गए, लेकिन वह बात उसके हृदय में गड्ढरी थी, गुरु जी ने ये भी बात कही थी, तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो यो कंप्लीट कोर्स यही है, वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया, और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और कबलम, मोटी मोटी आँख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण तार दिया, न बोला अब तब बच गई तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए, और गुरु जी के सौ सौ शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है, काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरु जी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई, उसके दरबार में जाके राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती हो। तो उसके साथी भी तेरी बेचारी के साथ, वो राजा की के माने, वो आ गई वापस, शुक्र मनाया रख, अगीब तो तेरी टलगी मृत्यु, छाटते आके लेट गई, हे भगवान हे परमात्मा दया करी, आपने इसे गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी बना के, इतने में काल सर्प बनकर आ गया, सर्प बनकर आया और रानी के डस दिया, डसते उसकी आंख खुली, और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा, उसने शोर बचाया, बागियो डस ली, सर्प ने डस ली, सर्प ने डस ली, नौकर नौकरानियाँ आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सब ने मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्ड बुलाए, सारा कुछ कर लिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए, तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वह नौकरानियां कहने लगी, महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तब परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र साबुद बताया और कहा, उठ बेटी, एक सेकंड में रानी खड़ी होगी, बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।